देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरठ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष तो लामबंद नहीं हो रहा है, जबकि अब सरकार के विधायकों ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर जंगल राज कायम होने की बात कही है। बकायदा मेरठ में दो विधायकों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष पहुंचकर जंगल राज होने की बात कहते हुए पुरानी हुकूमत से अपनी सरकार की तुलना कर दी। दरअसल मामला एक लड़की को ले जाने और पैरवी करने पर लड़की के भाइयों को गोली मारने के बाद पनपा। आपको बता दें कि मेरठ के थाना किला परीक्षितगढ़ से एक युवक एक युवती को लेकर चला गया, लेकिन लड़की लड़का अलग अलग समुदाय के होने के चलते क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। काफी दिन से दोनों फरार है, लेकिन लड़की के परिवार वाले लगातार लड़की को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसकी पैरवी बकायदा लड़की का भाई संदीप कर रहा था, लेकिन दो दिन पहले थाना भावनपुर क्षेत्र में उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद से गोली मारने का आरोप भी लड़के वालों पर ही लगा हुआ है। उधर दोनों बालिग होने के बाद पुलिस भी मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन आज अचानक सब उस वक्त सभी सकते में आ गए जब भाजपा के ही दो सिटिंग विधायक एसएसपी ऑफिस जा पहुंचे और कप्तान के सामने जंगल राज कायम होने की बात करने लगे। एसएसपी ऑफिस जाने वाले विधायक मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से दिनेश खटीक व किठौर विधानसभा सीट से सतवीर त्यागी थे। दोनों ने अपनी ही सरकार में जंगल राज होने की बात कही और अपनी सरकार की तुलना पुरानी सपा सरकार से कर डाली। ऐसे में विधायक लड़की के अपहरण के मामले खुद पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं और बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर है पुरानी सरकार इस सरकार में कोई अंतर नहीं है और यही आरोप बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। ये धर्म परिवर्तन का मामला है, इन लोगों की जो पुरानी आदत है, जो पुराना कल्चर इनका लविंग जिहाद का था, वो अभी ट्रैक पे है। योगी जी ने इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई की है, लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई अभी एक साल सरकार को हुआ है। ये ऐसे लोग जो गुंडा है, लविंग जिहाद जिन्होंने चला रखी है, ये बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। वही ये प्रकरण है 8 अप्रैल का कि एक एतमादपुर की लड़की को उसकी 8 दिन पहले शादी हुई थी और वो अपने मायके दोबारा मिलाने उसका पति उसको मिलाने के लिए गाँव में आ रहा था। रस्ते में उसको सरेआम उसको अधमरा करके और उसको उठा करके ले गए बदमाश, और इसे लगभग 2 महीने हो गए हैं। हम आज कप्तान साहब से मिले हैं इस बारे में, बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है, हमारी सरकार में जो अपराध है वो बहुत तेज गति से कम हुआ है, लेकिन इसे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बदमाश हैं ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी सरकार में 100% गुंडा राज था समाजवादी की सरकार में। आज वो कम से कम घट के कम से कम 75-80% पर आ गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा और जो ऐसे गुंडे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये करीब 2 महीने पहले की घटना है। शादीशुदा एक महिला थी दूसरे धर्म की, और वो अपने लड़के के साथ जो दूसरे धर्म का था, शादी के 5-7 दिनों बाद वो उसके साथ भाग गई। भाग क्या गई, उस लड़के ने बीच में ही, लड़की अपने पति के साथ जा रही थी, बीच में रोक के और उसे वो अपने साथ ले गया। लड़का जो उस लड़की को ले गया है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पर कई मुकदमे हैं और उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।